आज से करीबन 6-7 साल पहले संदीप महेश्वरी जी ने एक ऐसे शख्स की बात की थी जिसने पूरा इतिहास बदल कर रख दिया था, जिसने अपनी लकीरें खुद अपने हाथों से लिखी थी, जो हंगरी का बेस्ट पिस्टल शूटर था और उस देश में जितने भी नेशनल चैंपियनशिप हुई थी उनको वो जीत चुका था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड के बेस्ट पिस्टल शूटर केली की, जिसने सारे नेशनल चैंपियनशिप जीत लिए थे। अब सबको कन्फर्म था कि 1940 के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल केली ही जीतेगा। केली ने इसके लिए सालों से ट्रेनिंग की थी और उसका सिर्फ एक ही सपना था, एक ही गोल और एक ही चीज पर फोकस था कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। और उसमें वो कामयाब हो भी जाते हैं, सिर्फ 2 साल ही बचे हुए थे। पर 1938 में आर्मी का कैंप लगता है जिसमें केली भी होता है, तभी ट्रेनिंग के दौरान एक एक्सीडेंट हो जाता है और केली के उसी हाथ में, जिस हाथ से वो गोल्ड मेडल लाने वाला था, उसमें ग्रेनेड फट जाता है, उसका यह हाथ चला जाता है और जो उसने सपने देखे थे, जो उसका फोकस था, जो गोल्स थे, वो सब खत्म हो जाते हैं। और अब उसके पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो वो पूरी जिंदगी रोता रहे, कहीं जाकर वो छुप जाए, या फिर अपना जो फोकस था, जो गोल्स थे, उसको पकड़ कर रखे। उसने फोकस नहीं किया उस पर जो चला गया, बल्कि उसने फोकस किया उस पर जो उसके पास था। और क्या था उसके पास? तो उसका लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख भी नहीं सकता था। और फिर 1 महीने तक इलाज चलता है, फिर 1 महीने के बाद उसने फिर से अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। उसकी ये ट्रेनिंग पूरे 1 साल तक चलती है। फिर 1 साल बाद 1939 में केली फिर से वापस आया। हंगरी में नेशनल चैंपियनशिप हो रहे थे जिसमें केली भी जाता है। बाकी के पिस्टल शूटर्स केली के पास जाते हैं, उसे कांग्रेचुलेट करते हैं और उसे कहते हैं कि ये होता है जज्बा, ये होती है स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम यहाँ आए हो हमारा सभी का हौसला बढ़ाने के लिए। पर यहाँ किसी को भी नहीं पता था कि ये बंदा पिछले 1 साल से अपने लेफ्ट हैंड से शूटिंग करने की ट्रेनिंग कर रहा था। और उसने फिर जवाब दिया कि मैं यहाँ कोई तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया, बल्कि तुमसे कम्पीट करने आया हूँ, तुमसे लड़ने आया हूँ। और कॉम्पिटिशन हुआ जिसमें सारे लोग कम्पीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, और ये कम्पीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से। और फिर कौन जीतता है? द मैन विद द ओनली हैंड, केली जीत गया। पर वो यहाँ पर भी नहीं रुका, क्योंकि उसका गोल क्लियर था कि मुझे इस हाथ को इस कंट्री का ही नहीं बल्कि दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। फिर उसने अपना पूरा फोकस 1940 के ओलंपिक्स पर लगा दिया, लेकिन 1940 के ओलंपिक्स कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर के चलते। फिर उसने अपना पूरा फोकस 1944 के ओलंपिक्स पर लगा दिया, लेकिन 1944 के ओलंपिक्स भी कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। वो हताश हो गया, उसके हौसले टूटने लगे थे, पर उसने अपने हौसले को टूटने नहीं दिया और उसने अपना पूरा फोकस 1948 के ओलंपिक्स पर लगा दिया। 1938 में जहाँ केली की उम्र थी 28 ईयर, पर 1938 में उसकी उम्र हो गई थी 38 ईयर। और इस एज में यंग एज के प्लेयर से कम्पीट करना काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन मुश्किल नाम का ये वर्ड था ही नहीं उसकी डिक्शनरी में। वो गया वर्ल्ड के बेस्ट शूटर जो अपने बेस्ट हैंड से कम्पीट कर रहे थे, और ये अपने ओनली हैंड से कम्पीट कर रहा था। और कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड। लेकिन वो तब भी नहीं रुका, 1952 ओलंपिक्स में फिर से वो कम्पीट करता है और गोल्ड मेडल कौन जीतता है? केली। इस बार केली ने ओलंपिक्स की सारी हिस्ट्री को चेंज कर रख दिया, क्योंकि इस पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन में उससे पहले किसी भी एथलीट ने लगातार 2 बार गोल्ड मेडल कभी नहीं जीते। आप किसी भी लूजर के पास चले जाओ, उसके पास लिस्ट होगी बहाने की कि मैं इसलिए फेल हो गया, मैं इसलिए कुछ नहीं कर पाया। दूसरी तरफ विनर के पास चले जाओ, उसके पास हजारों वजह होगी ना करने की, सिर्फ एक मकसद होगा उसे करने का और वो कर जाता है।